Good morning, children. Today I am going to teach you chapter 5 of English grammar. So the topic is I, you, he, she, it. So what are they? Let's learn about that. Words that are used in place of naming words are called pronouns. जो words naming words के जगह पे use होते हैं उनको pronoun कहते हैं. अब naming word क्या है वो तो आपने पिछले class में पढ़ा है. You have read about that. All the names of places, animals, things and persons are known as naming words. So naming word के जगह पे आने वाले word को pronoun कहते हैं. प्रोनाउन का क्या यूज है वो हम लोग देखते हैं. सपोज देयर इज अ सेंटेंस, सीता इज अ गर्ल. सीता एक लड़की है. सीता इज 6 इयर्स ओल्ड. सीता 6 साल की है. सीता गोज टू स्कूल एवरी डे. सीता स्कूल डेली जाती है. तो कुछ यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जो आप नहीं होना चाहिए. सो देयर इज रिपीटेशन ऑफ सीता. बार बार रिपीट हो रहा है कौन सा वर्ड? सीता. यहाँ भी सीता, यहाँ भी सीता एंड हियर ऑल्सो सीता इज रिपीटिंग. तो ये दिस इज लुकिंग ऑड. तो यहाँ हम सीता का जब यूज करते हैं, सीता इज अ गर्ल, आफ्टर दैट व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज शी फॉर सीता. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? शी. तो शी क्या है? व्हाट इज शी? शी इज अ प्रोनाउन. इंस्टेड ऑफ सीता वी आर यूजिंग शी. सी इज अ गर्ल. सी इज 6 इयर्स ओल्ड. ओके, नाउ हियर आल्सो वी विल यूज शी. शी गोज टू स्कूल एवरी डे. वो स्कूल डेली जाती है. अब ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, इट इज लुकिंग प्रॉपर. नाउ वी विल लर्न अबाउट आई यू. आई यू क्या है? इट इज अ प्रोनाउन. एंड वेयर इट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड फॉर बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन. किसी लड़के के लिए अगर कुछ बोलना है तो यू यूज होता है, आई भी यूज होता है. अगर हम मैं लड़की हूँ तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगी और आपके लिए यू यानी तुम यूज करूंगी. गर्ल, मैन और वुमेन, इन लोगों के लिए आई और यू यूज होता है. आई अपने लिए बोला जाता है और यू दूसरों के लिए. ही बॉय के लिए और मैन के लिए लगता है. अगर कोई लड़का या आदमी है उसके लिए ही लगता है. शी गर्ल और वुमेन के लिए लगता है. जैसे सीता गर्ल है तो उसके लिए शी लगा था, तो उसे गर्ल और वुमेन के लिए शी लगता है. इट, इट कहाँ लगता है? थिंग्स और एनिमल्स, किसी भी सामान जैसे पेन, पेंसिल, बैग, कोई भी सामान के लिए इट लगता है. और एनिमल्स यानी डॉग्स या बर्ड्स वगैरह जो भी हैं उनके लिए इट लगता है. बट कब लगता है? व्हेन दे डू नॉट हैव स्पेशल नेम्स, जब उनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है तब इट लगता है. सो दीज ऑल आर I, you, he, she, it. ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है. सिंगुलर मीन्स वन. जब वन डिनोट करता है, एक को डिनोट करता है, तो ये सिंगुलर होता है और इसके लिए I, you, he, she, it लगता है. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ यू विल डू दिस, रीड दिस चैप्टर केयरफुली. थैंक यू.